तो नमस्कार दोस्तों और जय सिया राम। राजा बाबू नैसरा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा बाबू नैसरा यूट्यूब चैनल पर कुछ रामायण की अनसुनी बातों के वीडियो में आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको रामचरितमानस के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में बताऊँगा। और मैं नहीं बताऊँगा और ये बताएँगे मेरे परम पूजनीय गुरुदेव। तो सबसे पहले तो आदरणीय गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं आप उनका मार्गदर्शन करें और उनको कुछ इस माहौल के देखते हुए रामचरितमानस की कुछ ऐसी बातें हम भी बताएं जिससे हमारे जीवन में कुछ कल्याण हो सके। तो आदरणीय गुरुदेव जी, मेरा आपसे एक अगला और मैं सवाल कह सकता हूँ या विचार कह सकता हूँ, और अक्सर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारे इस टाइप के वीडियो हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष क्यों नहीं सोए थे, क्या ऐसा वाकई में ये सत्य है, रामचरितमानस पे इसका कहीं पर लिखा है, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को आप विस्तृत रूप से बताएं। देखिए, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आश्चर्य जे मानी हैं जिनके विमल विचार। राम जी का एक बार अवतार नहीं हुआ है, राम जी का अनेक बार अवतार हुआ है। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण जी बहुत बार रामा अवतार हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का जहाँ प्रश्न है तो माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को कहती हैं कि बेटा लक्ष्मण, तुम जब राम जी की सेवा करने जाओ तो एक ही बात का ध्यान रखना कि राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपने हो इनके वश हो, इन बुराइयों के वशीभूत कभी नहीं होना है। राग है, द्वेष है, ईर्षा है, क्रोध है, इनके वशीभूत नहीं होना। लक्ष्मण जी ने ध्यान से इस शब्द को माता के को सुना और जो आज्ञा कह दिया। बाद में लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि माता से मैंने जो आज्ञा तो कह दिया, लेकिन जागृत अवस्था में तुम्हें इन बुराइयों के वशीभूत नहीं होऊंगा, किंतु स्वप्न अवस्था जब होती है तो उसमें जो स्वप्न आते हैं वह कभी भी सोच विचार करके नहीं आते, स्वप्न तो स्वतंत्र होते हैं, मन कभी भी कहीं भी जा सकता है। रात में शरीर तो स्थूल सोता रहता है और मन जी चाहे जहाँ भटकता रहता है। अब उसमें स्वप्न कैसा आ जाए यह व्यक्ति के स्वयं के बस की बाहर है। तो लक्ष्मण जी ने प्रण किया कि माता के वचनों की रक्षा करने के लिए मैं निद्रा ही नहीं लूँगा तो मुझे स्वप्न नहीं आएगा, स्वप्न नहीं आएगा तो मैं उसके वशीभूत नहीं होऊंगा। तो माता के वचनों की रक्षा करने के लिए कि जन सपने हूँ इनके वश हो, और स्वप्न में कहीं लक्ष्मण जी सो जाते और उनको स्वप्न कहीं ऐसा आ जाता तो माता का दिया हुआ जो वचन है वह खंडित हो सकता था। इसलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए। एक कारण तो लक्ष्मण जी का नहीं सोने का ये है। दूसरा कारण, मेघनाथ ब्रह्मा जी से वरदान मांग चुका, उसने वरदान यह मांगा, महापुरुषों से ऐसा सुना है कि अनेक कथाओं में आता है, पुराणों में आता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेघनाद वत्स वरदान मांगो, तुम्हारा तप अपार हो गया है। तो मेघनाद ने एक ही वरदान मांगा, एक वरदान मांगा, और वरदान यह मांगा कि कोई वीर पुरुष 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और 14 ही वर्ष तक निद्रा पे विजय प्राप्त करे, काम पे विजय प्राप्त करे,
ऐसा योद्धा मेरे ऊपर विजय प्राप्त करे, ऐसा वरदान विधाता दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। यह कथाएं कहीं लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानियों से सुन रखी थी। अब सुन रखी थी तो लक्ष्मण जी इस दृष्टि से भी 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का तो पालन किया, उनने नारी का मुंह नहीं देखा और 14 ही वर्ष तक उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त की, सोए नहीं। यह कारण लक्ष्मण जी के 14 वर्ष नहीं सोने का था। देखो प्रमाण आता है रामचरितमानस में, माता सुमित्रा ने तो यह कह दिया कि जन सपने हूँ इनके वश हो, और लक्ष्मण जी ने जब कर भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी, पुरानी जो कथा कही उन कथाओं में विश्वामित्र जी समझाते रहते थे कि आने वाले समय में बेटा ऐसा होगा, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, और चूँकि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी, और उनको मारने के लिए आपको निद्रा पे विजय प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो लक्ष्मण जी वहीं से अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं, जनकपुर से ही। अच्छा। जनकपुर से अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं। वो कैसे कि जिस समय गुरुदेव ने विश्राम किया तो गुरुवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। ठीक, दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि राम और लक्ष्मण आप लोग अब विश्राम करो, रात्रि बहुत व्यतीत हो चुकी है। तो गुरुदेव ने बार बार आज्ञा दी, तब राम जी तो जाकर के सोए। रघुवर जाए शयन तब कीनी, और बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुवर ने तो शयन किया लेकिन लक्ष्मण जी पोढ़े उर्धर पद जल जाता। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पोढ़े, और पोढ़ने का मतलब होता है विश्राम। विश्राम किया है, सोए नहीं। प्रामाणित कहाँ होता है? जो व्यक्ति सोता है निद्रा में उसकी पहली क्रिया होती है जागना, ठीक। दूसरी क्रिया होती है उसकी उठना, ठीक। और तीसरी क्रिया उठने के बाद वह कोई कर्म करता है वह होती है। तो लक्ष्मण जी का जब हम प्रमाण देखते हैं तो वहाँ लक्ष्मण जी के जागने का प्रमाण ये है कि लक्ष्मण जी जाग रहे थे तो प्रातःकाल उठे लखन, जो जागा हुआ था वह उठा। उठे लखन निशि विगत सुन अरुण शिखा ध्वनि कान, और जो सो रहे थे तो गुरु ते पहले जगतपति जागे, जो सोया था वह जागा और जो जाग रहा था वह उठा। तो जागे राम सुजान, यह है। वहीं से लक्ष्मण जी अपने जीवनचर्या और दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मेघनाद जैसे सती के पति को उनको जीतना था, इसके लिए लक्ष्मण जी ने वह अभ्यास किया और वह 14 वर्ष तक नहीं सोए। धन्यवाद, जय सियाराम। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय गुरु जी, जो कि आपने लक्ष्मण जी के बारे में हमें रामचरितमानस से प्रमाण सहित, चौपाई सहित बताया कि वो किस तरीके से 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये जानकारी जरूर हो गई होगी। यदि आप हमारे आदरणीय पूजनीय गुरु जी के मुखारविंद से राम कथा सुनना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे गुरुजी से आप डायरेक्ट बात कर राम कथा बुक करवा सकते होंगे। और आपने इससे पहले मेरे एक दो वीडियो और भी देखे होंगे जहां पर मैंने गुरुजी की राम कथा के कुछ भाग आपको सुनवाए थे, जो कि आपने सुने भी होंगे। तो यदि आपको करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो कि आपने मुझे समय दिया और अपना ज्ञान
हम सभी तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं, और आप दीर्घजीवी हों, पूरा देश का कल्याण हो। धन्यवाद। आप निरोगी रहें, यही शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।